हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन अनबॉक्सर। आज हम आपके लिए लेके आइए एक ब्लैक कलर का आरसी सुपर हीरो मॉडल का कार, और इसका मॉडल नंबर है ब्लैक मोबिल सुपर हीरो कार, और इसको हम बाय किया है फ्लिपकार्ट से। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी ब्लैक कलर का सुपर हीरो कार का करेंगे अनबॉक्सिंग और उसके साथ एक जबरदस्त टेस्टिंग भी। तो दोस्तों प्लीज, देखने से पहले हमारा चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल बटन है उसको भी प्रेस करिए। सो ऐसे और भी वीडियो जब भी हम डालते रहेंगे तो आपको पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पास चला जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये आरसी कार का अनबॉक्सिंग। तो चलिए दोस्तों, हम अभी शुरू करने जा रहा है ये जो हम सुपर हीरो कार ब्लैक कलर का मॉडल का खरीदा है, तो उसका हम अभी अनबॉक्सिंग करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम पहले अनबॉक्सिंग कर लेते। तो दोस्तों ये हम बाय किया है फ्लिपकार्ट से और इसका प्राइस था 799 रुपीज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा इसका कलर है और एकदम बहुत ही देखने में जबरदस्त है। तो दोस्तों ये इसका अंदर आप देख सकते हैं कि ये कार का जो फीचर्स है वो भी हम क्या भी इसको तो टेस्टिंग करेंगे पता चलेगा, लेकिन अभी इसका जो मॉडल है जो देखने में एकदम इतना अच्छा है और इतना ब्यूटीफुल है, तो आपको हम मतलब आपका तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इसका कलर है। तो चलिए दोस्तों इसका ये देख लेते हैं कि इसका पहले इसका बॉक्स का अंदर क्या है। तो देख लेते हैं कि देखिए, मुझे लग रहा है इसके अंदर अभी देखिए ये तीनों इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है और इसके अंदर एक चार्जर भी है। मेरे ख्याल से कार को चार्ज करने के लिए ये लगेगा, और इसको हम साइड में रखते हैं। और इसके अंदर अभी पीछे इसका कार का अभी लॉक है, तो लॉक को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम गाड़ी पर मतलब इसका जो मॉडल है, ये मॉडल आपको देखा एकदम मतलब सामने से दिखा रहा हो, तो देखिए कितना अच्छा इसका मॉडल है। तो और देखने में भी बहुत ही अच्छा है और इसका फिनिशिंग एकदम अच्छा है और इसमें कोई साफ मतलब एजेस भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। और इसका एक देखिए कि कितना अच्छा इसका मॉडल है और देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि कोई एकदम ओरिजिनल कार की तरह। और सामने देखिए इसका एक फायरिंग गन भी मतलब है, और इसका नीचे देखिए यहाँ पे होगा इसका बैटरी का प्लेस जो हम बैटरी इसमें डालेंगे, और नीचे यहाँ पे ये जो गाड़ी लेफ्ट मतलब राइट टू मूव करेगा उसका भी इसका फंक्शन इसमें है। और इसका टायर मतलब एकदम नॉर्मल आरसी कार जैसे होते उसी तरह। और इसका बैटरी जो रिमोट है, रिमोट भी एकदम बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मतलब इसका प्लास्टिक भी बहुत ही अच्छा, इसका फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों पहले इसको हम बैटरी डाल लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स इसमें एक अच्छा ये खासी ये जगह है कि इसमें जो बैटरी है आपको बाहर से इसको लेना नहीं पड़ेगा, इसके साथ एक ओरिजिनल आपको तीनों या फिर रिचार्जेबल इसमें जो बैटरी इसमें आपको मिल जाएगा। और इसके देखिए इसका 700 mAh का 1.2 वोल्ट का बैटरी है इसके साथ। तो इसको हम पहले इसको लगा दिया इसके अंदर। तो दोस्तों देखिए ये अभी पूरा रेडी हो गया, और यहाँ पे देखिए एक पीछे से एक होल है, मतलब जहाँ पे ये रिचार्जेबल आपका जो बैटरी है आप यहाँ पे चार्ज करते हैं, मतलब यहाँ पे इसको लगा देने के बाद आप इसको कोई भी प्लग में डाल देंगे तो ये बैटरी ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा, आपको बार बार बैटरी बाहर निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये एक अच्छा फीचर्स है। तो ये फीचर्स इसमें से चार्ज करने में कितने टाइम लगेगा ये मैं आपको वीडियो में आगे बोल दूंगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसको हम ऑन करते हैं, तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई यहाँ पे LED लाइट दिखाई नहीं दे रहा है, तो बस ये ठीक है। और इसमें भी हम ऑन ऑफ का कोई स्विच है ही नहीं। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये पीछे हुई ये घूम रहा है, मतलब ये हुई जब घूम रहा है तो ये काम करना चालू कर दिया। तो चलिए दोस्तों अभी हम कोई आप जगह में कोई बड़ा जगह में इसको टेस्ट करते हैं।
तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका मैं जबरदस्त टेस्टिंग कर लिया और ये कार भी मुझे क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा मैं आपको अभी बोलने दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें एक चीज है कि ये कार कोई भी मतलब सामने ऑब्स्टेकल्स आ जाए, मतलब कोई भी ज़्यादा उसमें रफ जगह हो, तो ये कार नहीं चलता है। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है। और इसका दूसरा माइनस पॉइंट है कि इसमें जो मूवमेंट है, मतलब जो राइट का मूवमेंट है जाने का, वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि और भी अच्छी कार देखा इसका जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्मूथ, इतना स्मूथ नहीं है। और तो ये था, और इसमें बैटरी लाइफ इतना अच्छा नहीं है। मुझे तो अभी हम 10 से 10 to 15 मिनट इसको हम अभी चलाया तो देखा कि ठीक ठाक ही है। लेकिन इसका और भी एक माइनस पॉइंट है कि इसका रिमोट का रेंज उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका 2.4 GHz इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इतना अच्छा इसमें रेंज नहीं है। और इसमें अच्छी बात है कि ये कार का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है, मटेरियल्स अच्छा है, और इसका स्पीड भी बहुत अच्छा है, और ये देखने में एकदम जबरदस्त है। तो दोस्तों, ये था ये आज का वीडियो का रिव्यू। तो दोस्तों, ये कार आपको अच्छा लगा तो मेरे ख्याल से आपको बाई आप कर सकते हैं, और इसी प्राइस में इससे अच्छा मतलब मॉडल का कार आपको नहीं मिलेगा। और इसे आगे आपको बाय करना है तो आप हमारा नीचे दिया हुए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके बाय कर सकते हैं। अभी फ्लिपकार्ट का बिग बिलियंस डी चल रहा है, तो इसमें आपको बहुत सारा उसमें और भी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों, ये था आज का वीडियो। तो आपका वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारा एक लाइक जरूर करना, और इसका आगे जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना, सो ऐसे कोई भी वीडियो हम और भी डालते रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आज इतना ही तक, तो नेक्स्ट आएंगे कोई और भी एक अच्छा कार के साथ और नया अनबॉक्सिंग के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू और जय हिंद।